मानसून की वर्षा ने खेतों की प्यास कुछ हद तक बुझा दी है। जहां संसाधन नहीं है तो ट्यूबवेल नहर का सहारा लिया जा रहा है। पानी से खेत लबालब होने लगे हैं। ऐसे में धान की रुपाई का काम भी गांव-गांव में तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश के किसान धान की पौध तैयार करने के बाद उसकी रुपाई के कार्य में जुट गए हैं। किसान धान की खेती के लिए जहां नर्सरी तैयार पहले से ही करने के लिए जुटे थे और अब तक हुई बारिश ने कुछ राहत दी है। किसान भाइयों का कहना है कि मानसून ने साथ दिया तो पैदावार भी अच्छी होगी। पीलीभीत जनपद के पूरनपुर में खेतों में रोपाई कर रहे किसानों से हमारे सहयोगी राजेश कुशवाहा ने वार्ता की। आइए दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जिला पीलीभीत की तहसील क्षेत्र पूरनपुर के ग्रामीण क्षेत्र में और यहाँ पे मैंने देखा है कि मजदूर लोग कितनी मेहनत से काम करते हुए यहाँ पे धान लगा रहे हैं और उनसे पूछते हैं दोस्तों कि यहाँ पे इनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पसीना बहाना पड़ता है और कितनी लागत लगाते हैं, उसके बाद इनको कितना जो है फ़ायदा मिल पाता है। इसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ के मजदूरों से और खेत स्वामी से। आइए दोस्तों मेरे साथ। हाँ, आपका शुभ नाम? छत्रपाल। अच्छा छत्रपाल जी, कहाँ रहते हैं आप? मकरंदापुर। अच्छा मकरंदापुर, ये अपने डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में आता है ना जी। अच्छा, ये धान लगाने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इसके बारे में बताएंगे आप? बहुत मेहनत करने पड़ती है। अच्छा अच्छा, इसे खेत कितना है लगभग, इसमें आपको कितनी की लागत लगती है, उस लागत के हिसाब से आपको मूल्य मिल पाता है? अच्छा अच्छा, इसमें आपको कितनी लागत लग गई होगी अभी तक? अभी तो काफ़ी लागत लग गई। अच्छा अच्छा, लागत के अनुसार आपको जैसे सरकारी रेट पे मूल्य मिलता है? नहीं। अच्छा अच्छा, एकदम बर्फ के तरह ला रहे हैं।